दोस्तों स्वागत है आप सभी का फैंटेसी इनसाइट की एक और नए प्रोडक्शन वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में जो आईपीएल का मैच नंबर 18 खेला जाएगा उसका ड्रीम इलेवन प्रोडक्शन के बारे में। देखो इस मैच में बहुत सारे लोग यहाँ पर हेनरी क्लासन को कैप्टन वाइस कैप्टन लेकर के जा रहा है एंड बहुत सारे लोग रचिन रविंद्र को भी कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहा है। तो क्या ये प्लेयर्स इस मैच में आप लोगों के लिए बेस्ट कैप्टन एंड वाइस कैप्टनसी का ऑप्शन होगा ग्रैंड लीग में, या फिर आपके पास और भी अच्छा ऑप्शन है जिनका सिलेक्शन इस मैच में लो है बट इस मैच में आप लोगों के लिए अच्छा परफॉर्मेंस करके ग्रैंड लीग विन करवा सकते हैं वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग प्लेयर्स का रिसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे, पूरे 20 ओवर्स के अंदर कौन सा बॉलर्स कहां पर बॉलिंग कर रहा है एंड फुल 4 ओवर कौन सा बॉलर्स बॉलिंग कर रहा है। कुछ ऐसे बॉलर्स है इस मैच में जो फुल 4 ओवर बॉलिंग करेगा बट पिछले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, इसी वजह से उनका सिलेक्शन यहाँ पर 20% से भी कम हो गया है। बट वो प्लेयर्स इस मैच में ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। दो ऐसे बॉलर्स मैं आप लोगों को बताऊंगा एंड दो ऐसे बैट्समैन भी बताऊंगा जिनका सिलेक्शन इस मैच में 60% से ऊपर होगा बट इस मैच में दोस्तों डेफिनेटली फ्लॉप जा सकते हैं। कौन से वो प्लेयर्स होंगे वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पिच रिपोर्ट देखेंगे, प्लेयर्स का रिसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे, उसके बाद सारा नॉलेज लेने के बाद देन हम लोग अपना ड्रीम इलेवन टीम क्रिएट करेंगे। एंड हाँ, इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए 2000 रुपीज का फ्री गिव अवे भी रखा है। इस वीडियो में कहीं भी मैं आप लोगों से 2 सिंपल क्वेश्चन करूंगा एंड उन 2 सिंपल क्वेश्चन का आंसर करके आप लोग फ्री गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हो। 4 विनर्स को मैं यहाँ पर 500 रुपीज करके गिव अवे का विनर घोषित करने वाला हूँ। सो 2 सिंपल क्वेश्चन करूंगा वीडियो में आगे। सो उसके लिए आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड हाँ, वैसे भी अगर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो आप खुद से भी अपना ग्रैंड लीग का टीम क्रिएट कर सकते हो, तो उसके लिए भी वीडियो को देखना। और हाँ, इस वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया है, वहां पर मैं अपना फाइनल टीम आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले प्लेयर्स का रिसेंट परफॉर्मेंस देख लेते हैं। सो आप जो आप लोग देख रहे हो दोस्तों, ये है एसआरएच का लास्ट मैच का बैटिंग ऑर्डर। यहाँ पर आप लोग प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर एंड रिसेंट फॉर्म देख सकते हो। सबसे पहले मयंक अग्रवाल की अगर बात करें, देखो लास्ट 3 मैचों में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया है। फर्स्ट मैच में 32 रन स्कोर किया था बट उसके बाद उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया है। सो ये प्लेयर्स रिसेंटली उतना अच्छा फॉर्म में नहीं है एंड पिछले सीजन भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है बट मुझे लगता है इस मैच में आप लोगों के लिए ग्रैंड लीग में ट्रम्प कार्ड हो सकता है। सो जीएल में आप लोग ट्राई कर सकते हो मयंक अग्रवाल को, स्मॉल लीग से आप लोग अग्रवाल को ड्रॉप कर देना। उसके बाद ट्रैविस हेड की अगर बात करें, देखो फर्स्ट मैच में 62 रन, उससे पहले मैच में 19 रन, 2 मैच में परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। अभिषेक शर्मा की अगर बात करें, देखो 29, 63 एंड 32, इसका रिसेंट परफॉर्मेंस दोस्तों बहुत अच्छा है। काफी कंसिस्टेंसी के साथ रन स्कोर किया है अभिषेक शर्मा ने। एडन मार्क्रम की अगर बात करें, देखो 17, 42 एंड 18, 3 मैचों में परफॉर्मेंस डिसेंट रहा है। हेनरी क्लासन की अगर बात करें, लास्ट मैच में 24, 80 एंड 63, इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है एंड काफी अच्छे फॉर्म में भी है एंड विकेट कीपिंग से भी आपको कुछ पॉइंट दे सकता है। सो हेनरी क्लासन आप लोगों के लिए इस मैच में मस्ट पिक ऑप्शन है। अब्दुल समद की अगर बात करें, उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया है। शहबाज अहमद की अगर बात करें, देखो इसका भी परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आया है। कुछ मैचों में बॉलिंग किया है एंड कुछ मैचों में बॉलिंग करने का मौका नहीं मिला है। सो इस बात का आप लोग ध्यान रखना, उतना ज्यादा बॉलिंग नहीं कर रहा है। वाशिंगटन सुंदर की अगर बात करें, लास्ट मैच में इंपैक्ट प्लस खेलने आया था एंड कोई भी विकेट नहीं ले पाया था दोस्तों। पैट कमिंस की अगर बात करें, लास्ट मैच में 1 विकेट, उससे पहले 2 विकेट एंड उससे पहले मैच में 1 विकेट। सो परफॉर्मेंस इसका भी अच्छा है एंड कैप्टन है, सो फुल 4 ओवर बॉलिंग करेगा। अभी लास्ट मैच में कितने ओवर्स का बॉलिंग किया था वो मैं आगे क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पर आप लोग प्लेयर्स का रिसेंट परफॉर्मेंस देख लो बस। और बॉलर्स की अगर बात करें, भुवनेश्वर कुमार 3 मैच खेला है एंड 3 मैचों में 1 भी विकेट नहीं मिला है एंड अब इसका सिलेक्शन दोस्तों बहुत ज्यादा कम हो गया है, 20% से भी सिलेक्शन कम हो गया है। बट मुझे लगता है इस मैच में ग्रैंड लीग में आप लोगों के लिए ट्रम्प कार्ड हो सकता है भुवनेश्वर कुमार, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। मयंक मार्कंडे की अगर बात करें, लास्ट मैच में 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, सो रिसेंट परफॉर्मेंस इसका भी उतना अच्छा नहीं है। जयदेव उनादकट, लास्ट मैच में कोई भी विकेट नहीं मिला था, फर्स्ट मैच में इसको 2 विकेट मिला था। सो रिसेंट परफॉर्मेंस इसका 1 मैच में विकेट मिला है एंड 1 मैच में विकेट नहीं मिला है दोस्तों। एंड लास्ट मैच में इनकी बॉलिंग की अगर बात करें, तो देखो गुजरात टाइटन्स के अगेंस्ट मैच खेला था, उसमें भुवनेश्वर कुमार ने फुल 4 ओवर बॉलिंग किया था जैसा मैंने बताया बट कोई भी विकेट नहीं मिला था। शहबाज अहमद 2 ओवर का बॉलिंग किया था, 1 विकेट। जयदेव उनादकट ने 3 ओवर का बॉलिंग किया था, इसको भी कोई भी विकेट नहीं मिला था दोस्तों। वाशिंगटन सुंदर एज अ इम्पैक्ट प्लेयर खेलने आया था, उसको भी विकेट नहीं मिला था। मयंक मार्कंडे 3 ओवर 1 विकेट एंड पैट कमिंस 4 ओवर 1 विकेट। सो कोई भी ऐसा बॉलर्स नहीं है जिनको यहाँ पर 2-3 विकेट मिला है लास्ट मैच में बट इस मैच में मुझे लगता है भुवनेश्वर कुमार, पैट कमिंस एंड मयंक मार्कंडे, ये 3 बॉलर्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इनका आप लोग ध्यान रखना। अब आगे अगर बात करें, देखो इस वेन्यू के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखो ये मैच खेला जाएगा राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम यानी कि हैदराबाद, जो एसआरएच का होम ग्राउंड है। इस ग्राउंड पर जो लास्ट मैच खेला गया था, देख लो काफी ज्यादा हाई स्कोर मैच था, मुंबई इंडियंस एंड सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में वो मैच खेला गया था। सनराइजर्स हैदराबाद ने बैटिंग फर्स्ट करते हुए 277 रन शुरू किया था एंड मुंबई इंडियंस ने भी उस टोटल को ऑलमोस्ट चेस कर लिया था दोस्तों, काफी ज्यादा हाई स्कोर
इंटरेस्टिंग मैच था। उस मैच में पेसर्स को 6 विकेट, स्पिनर को मिला था 2 विकेट। उससे पहले पिछले सीजन जो लास्ट 2 मैच खेला गया उसका रिकॉर्ड भी आप लोग देख सकते हो, दोनों ही मैचों में 180 प्लस रन स्कोर किया है। सो इस मैच में भी आप लोग एक हाई स्कोरिंग मैच एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड पेसर्स एंड स्पिनर दोनों ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। कुछ ऐसे स्पिनर है जिनका सिलेक्शन लो है बट इस मैच में ट्रम्प कार्ड हो सकता है, वो भी आगे बताने वालों, बट इस मैच में आप लोग एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि 160 प्लस रन यहाँ पर हो सकता है आसानी से। एंड आप देख लेते सीएसके की तरफ से कौन कौन से प्लेयर्स है जो आप लोगों के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पर जरूर से जरूर जुड़ जाना, क्योंकि मेरा फाइनल टीम बाद में अगर कुछ चेंजेस होता है प्लेइंग 11 में सब कुछ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। सो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। एंड आप बात कर लेते हैं हम लोग सीएसके के प्लेयर्स के बारे में, यहाँ पर कौन कौन से प्लेयर्स अच्छे फॉर्म है। लेकिन उससे पहले मैं गिव अवे का क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ आप लोगों को। सबसे पहला क्वेश्चन है, इस मैच में रचिन रविंद्र कितना रन स्कोर करेगा एंड कितना ज्यादा फैंटेसी पॉइंट देगा, ये आप लोगों को बताना है। एंड दूसरा जो मेरा क्वेश्चन है, इस मैच में ट्रैविस हेड कितना ज्यादा रन स्कोर करेगा एंड कितना फैंटेसी पॉइंट्स देगा। सो ये दो सिंपल क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में कर देना। अगर आपका आंसर सही होता है सो आप लोगों को गिव अवे का विनर घोषित कर लिया जाएगा। हाँ, एंड गिव अवे का दो रूल्स है जो आपको फॉलो करना है, इस वीडियो को लाइक करना है एंड चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। ये दो रूल्स कंपलसरी है, इनको आपको फॉलो करना ही होगा गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए, सो कर लेना। एंड आप देख लो, सबसे पहले अगर बात करें देखो ऋतुराज गायकोट लास्ट मैच में फ्लॉप गया था, 1 रन से स्कोर कर पाया था, उससे पहले 46 रन एंड 15 रन, इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, जनरली काफी कंसिस्टेंट प्लेयर रहता है, हर मैच में रन स्कोर करता है, सो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। रचिन रविंद्र की अगर बात करें देखो ये भी लास्ट मैच में फ्लॉप गया था एंड मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट मैच में ये फ्लॉप जा सकता है, इसका सिलेक्शन भी हाई था, बट इस मैच में मुझे लगता है अच्छा परफॉर्मेंस करेगा क्योंकि ये भी काफी कंसिस्टेंट प्लेयर है। अजिंक्य रहाणे की अगर बात करें लास्ट मैच में मेरा ट्रम्प कार्ड प्लस था एंड 45 रन स्कोर किया था, एंड इस मैच में आप लोगों के लिए बैटिंग फास्ट में इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, क्योंकि वन डाउन बैटिंग करने आएगा तो जीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। डेरिन मिचेल की अगर बात करें लास्ट मैच में 34 रन, उससे पहले 24 1 विकेट एंड 22 रन, काफी कंसिस्टेंट प्लेयर है, सो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। शिवम दुबे लास्ट मैच में इंपैक्ट प्लेयर्स खेलने आया था एंड 18 रन स्कोर किया था, उससे पहले 2 मैच में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है शिवम दुबे का। एस राजीव की अगर बात करें परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आया है इसका, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। रविंद्र जडेजा की अगर बात करें ना दोस्तों, लास्ट मैच में 21 रन 1 विकेट, उससे पहले 7 रन कोई भी विकेट नहीं एंड उससे पहले मैच में 25 रन कोई भी विकेट नहीं ले पाया था, तो रविंद्र जडेजा का सिलेक्शन यहाँ पर आप लो हो गया है, 50% इसका सिलेक्शन है इसके अराउंड। सो ये आप लोगों के लिए ग्रैंड लीग में कैप्टन एंड वाइस कैप्टनसी का ऑप्शन बन सकता है, काफी सारे लोग इसको अभी इग्नोर कर रहा है क्योंकि लास्ट 3 मैच में उतना ज्यादा इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस नहीं आया है दोस्तों। उसके बाद धोनी की अगर बात करें लास्ट मैच में बैटिंग का अपॉर्चुनिटी मिला था एंड क्या शानदार बैटिंग किया था, 37 रन स्कोर किया था सिर्फ शायद 15 बॉलों पे। धोनी अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा क्योंकि बहुत नीचे बैटिंग करने आ रहा है, यहाँ पर आप लोग बैटिंग ऑर्डर चेक कर सकते हो, सो धोनी को आप लोग ड्रॉप कर सकते हो दोस्तों। तुषार देशपांडे लास्ट मैच में कोई भी विकेट दोस्तों नहीं ले पाया था यहाँ पर। एंड उसके बाद दीपक चाहर की अगर बात करें देखो, दीपक चाहर ने भी लास्ट मैच में कोई भी विकेट नहीं लिया था एंड इसी वजह से सीएसके लास्ट मैच हार गया था दोस्तों। एम पथरियाना की अगर बात करें लास्ट मैच में 3 विकेट, मुस्तफिजुर रहमान लास्ट मैच में 1 विकेट, उससे पहले 2 विकेट एंड 4 विकेट फर्स्ट मैच में। सो ये है इनका बॉलिंग का रिसेंट परफॉर्मेंस। एंड इनकी बॉलर्स की अगर बात करें तो लास्ट मैच जो दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट खेला था उसमें दीपक चाहर ने 4 ओवर फुल बॉलिंग किया था, कोई भी विकेट नहीं ले पाया था। तुषार देशपांडे ने भी 4 ओवर बॉलिंग किया था, कोई भी विकेट नहीं ले पाया था दोस्तों। सो इसका नाम याद रखना, ट्रम्प कार्ड होने वाला है जीएल में तुषार देशपांडे, सिलेक्शन बहुत लो है, आगे मैं दिखाने वाला हूँ। मुस्तफिजुर रहमान 4 ओवर 1 विकेट, रविंद्र जडेजा भी 4 ओवर 1 विकेट, सो जीएल के लिए ये भी इंपॉर्टेंट होगा। एम पथरियाना 4 ओवर 3 विकेट, तो सिर्फ 5 बॉलर्स का ही यूज किया था ऋतुराज गायकोट ने लास्ट मैच में। सो यहाँ से आप लोग देख सकते हो किसने कितने ओवर्स का बॉलिंग किया था। अब चलिए ड्रीम 11 के अंदर चलते हैं, वहां जाके हम लोग अपना टीम क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अगर इस मैच की टीम कॉम्बिनेशन की बात करें ना, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बैटिंग के फेवर में टीम क्रिएट करना है क्योंकि हैदराबाद के ग्राउंड पर हमने देखा लास्ट 3 मैचों में ही काफी ज्यादा हाई स्कोर हुआ है। सो हम लोग यहाँ पर बैटर्स एंड ऑलराउंडर के ऊपर ज्यादा फोकस करने वाले हैं इस मैच में दोस्तों। सो विकेट कीपिंग की अगर बात करें देखो, यहाँ पर ज्यादा आप लोगों को नहीं सोचना है, हेनरिक क्लासन है एंड एमएस धोनी है। एमएस धोनी बहुत नीचे बैटिंग करने आएगा, सो इसको अभी आप लोग इजिली ड्रॉप कर देना। हेनरिक क्लासन ही आप लोगों के लिए डिफॉल्ट पिक होने वाला है विकेट कीपिंग में, इनको ही सब लोग लेके आएगा, 96% सिलेक्शन है, सो इसको भी आप लोग पिक कर लेना। बैटर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों का बहुत बड़ा गेम खेलना होगा अगर आप लोग सही में इस मैच में ग्रैंड लीग को विन करना चाहते हो। सबसे पहले ऋतुराज गायकोट की अगर बात करें देखो, सिलेक्शन लो हो गया है, 68% सिलेक्शन है क्योंकि लास्ट मैच में फ्लॉप गया था, बट इसको मैं अभी रखने वाला हूँ एज अ ट्रम्प कार्ड प्लस, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा। शिवम दुबे की अगर बात करें 66% सिलेक्शन है, अगर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग कराता है तो ये खेलेगा प्लेइंग 11 में एंड अगर सेकेंड इनिंग्स में सीएसके बैटिंग कराता है तो एज अ इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट प्लस खेलने आएगा। सो ऐसे में आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा शिवम दुबे इस मैच में।
अभी मैं नहीं ले रहा हूँ, बाद में टॉस के बाद अपडेट कर दूंगा। अगर खेलता है तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ट्रैविस हेड की अगर बात करें 90% सिलेक्शन है, फर्स्ट मैच में अच्छी बैटिंग किया था, सेकंड मैच में फ्लॉप हो गया था। सो इसका अगर बात करें दोस्तों, ये उतना ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ रन स्कोर नहीं करता है। 90% सिलेक्शन है, अगर आप लोग सेफ जाना चाहते हो तो लेके जा सकते हो, बट अगर आप लोग रिस्क लेना चाहते हो तो इसको ड्रॉप भी कर सकते हो इस मैच में। इस मैच में मुझे लगता है ट्रैविस हेड फ्लॉप जा सकता है फिर से, बट अभी मैं ट्रैविस हेड को अपने टीम में रख रहा हूँ। मयंक अग्रवाल की अगर बात करें 17% सिलेक्शन है। देखो अगर फास्ट इनिंग्स में SRH बैटिंग करे ना तो मयंक अग्रवाल इस मैच में आप लोगों के लिए ट्रम्प कार्ड हो सकता है, क्योंकि बैटिंग पिच दिया जाएगा एंड मयंक अग्रवाल का रिसेंट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो सिलेक्शन बहुत लो हो गया है। सो ऐसे में ट्रम्प कार्ड हो सकता है दोस्तों इस मैच में मयंक अग्रवाल, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। रचिन रविंद्र की अगर बात करें, लास्ट मैच में फ्लॉप गया था, फिर भी 89% सिलेक्शन है, काफी कंसिस्टेंट प्लेयर्स है। सो इसको आप लोग अपने टीम में रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। उसके बाद अभिषेक शर्मा की अगर बात करें 74% सिलेक्शन है, वन डाउन बैटिंग करने आएगा, तो ये आप लोगों के इस मैच में इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी बैटिंग फास्ट में आप लोग अभिषेक शर्मा को रख सकते हो, वरना ड्रॉप भी कर सकते हो। अभी मैं अभिषेक शर्मा को अपने टीम से ड्रॉप कर रहा हूँ। अजिंक्य रहाणे की अगर बात करें, सिर्फ 30% सिलेक्शन है, लास्ट मैच में हालांकि अच्छी बैटिंग किया था एंड इस मैच में फास्ट इनिंग्स में बैटिंग में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अजिंक्य रहाणे चाहो तो इसको भी अभी पिक कर सकते हो, बट अभी मैं अपने टीम में नहीं रख रहा हूँ। उसके बाद और बैटर्स की अगर बात करें, देखो अब्दुल समद एंड एस राजीव, ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, इनको अभी आप लोग इग्नोर करके चल सकते हो। आप ऑलराउंडर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है। सबसे पहला मेरा पिक है यहाँ पर रविंद्र जडेजा। देखो दोनों मैचों में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, लास्ट जो 3 मैच खेला है, सो अभी बहुत सारे लोग इसको ड्रॉप करके आ रहा है, बट मैं आप लोगों को बताऊँ तो ग्रैंड लीग में कैप्टन एंड वाइस कैप्टन का अच्छा चॉइस बन सकता है रविंद्र जडेजा इस मैच में। सो जडेजा को मैं अभी अपने टीम में रखूंगा, एडन मार्करम को अपने टीम में रखूंगा एंड डैरिन मिचेल की अगर बात करें तो कोई डाउट नहीं है, बॉलिंग करेगा 1 से 2 ओवर एंड बैटिंग से तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस करता है हमेशा। सो डैरिन मिचेल आप लोगों के लिए जीएल में कैप्टन एंड वाइस कैप्टनसी का भी चॉइस हो सकता है। आगे मैं आप लोगों को और दिखाने वाला हूँ। तो अभी डैरिन मिचेल को अपने टीम में रखेंगे, मार्को यांसन नहीं खेल रहा है सो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। जैसे और अगर ऑलराउंडर की बात करें तो शहबाज अहमद, लास्ट मैच में 2 ओवर का बॉलिंग किया था एंड 1 विकेट लिया था, तो अगर आप लोग चाहो तो इसको जीएल में ट्राई कर सकते हो, मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। सो अभी मैं शहबाज अहमद को अपने टीम से ड्रॉप करने वाला हूँ दोस्तों। एंड और अगर यहाँ पर बॉलर्स की बात करें तो देखो सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास पैट कमिंस, 81% सिलेक्शन है, फुल 4 ओवर बॉलिंग करेगा एंड कैप्टनसी करने वाला है SRH की तरफ से, तो पैट कमिंस आप लोगों के लिए सेफ भी हो सकता है, चाहो तो लेके जा सकते हो। एम पथिराना की अगर बात करें, लास्ट मैच में 3 विकेट लिया था एंड काफी अच्छा बॉलिंग किया था एम पथिराना ने, सो एम पथिराना अभी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दीपक चाहर की अगर बात करें, वो पिच रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, अगर पिच में थोड़ा बहुत ग्रास होता है, पिछले जो मैच खेला गया था मुंबई एंड SRH के, अगर वही पिच फिर से यूज होता है तो मैं दीपक चाहर को ड्रॉप करने वाला हूँ, क्योंकि उस कंडीशन में ये विकेट नहीं ले पाएगा। सो अभी मैं दीपक चाहर को ड्रॉप कर रहा हूँ। एंड भुवनेश्वर कुमार की अगर बात करें, देखो जैसा मैंने पहले बताया, एज अ ट्रम्प कार्ड प्लस मैं अभी भुवनेश्वर कुमार को ट्राई करने वाला हूँ। अगर आप लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हो सिंपली पैट कमिंस को रख लेना, बट मैं रिस्क लूंगा क्योंकि मुझे ग्रैंड लीग विन करना है। अगर आप लोग भी रिस्क लेना चाहते हो तो लेके जा सकते हो भुवनेश्वर कुमार को। अभी मैं भुवनेश्वर कुमार को अपने टीम में रखूंगा। उसके बाद अगर बात करें तो मुस्तफिजुर रहमान, 60% सिलेक्शन है, लास्ट मैच में 1 विकेट लिया था, टी नटराजन अभी नहीं खेल रहा है। एंड और बॉलर्स की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मयंक मारखंडे 10% सिलेक्शन है, तुषार देशपांडे 6% सिलेक्शन है एंड जयदेव बुनादकट 4% सिलेक्शन है। हालांकि ये बॉलर्स 3 से 4 ओवर डेफिनेटली बॉलिंग करेगा दोस्तों, का पूरी दुनिया यहाँ पर इनको इग्नोर करके जा रहा है। सो अभी मैं यहाँ पर अपने टीम में तुषार देशपांडे को बैक करूंगा, सिलेक्शन बहुत लो है, फिर से मैंने एक और ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स को ले लिया एंड अभी मैं एक और एक्स्ट्रा बैटर्स को लेने वाला हूँ SRH की तरफ से। सो यहाँ से मैं अभी सिंपली अभिषेक शर्मा को अपने टीम में रख रहा हूँ। सो ये रहेगा मेरा बैटिंग ऑर्डर। अब मेरी टीम का सबसे पहले आप लोग प्रीव्यू देख लो। अगर बात करें तो उनकी टीमिंग से मैंने हेनरी क्लासन को रखा है एंड बैटिंग में यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़, ट्रैविस हेड, रचिन रविंद्र, अभिषेक शर्मा को पिक किया है। ऑलराउंडर में रविंद्र जडेजा, एडन मार्करम, डैरिन मिचेल को रखा है। बॉलिंग में एम पथिराना, भुवनेश्वर कुमार एंड तुषार देशपांडे को रखा है दोस्तों। अगर बात करें ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स, तो यहाँ पर मैंने एज अ ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स रखा है अपने टीम में रविंद्र जडेजा को, भुवनेश्वर कुमार को एंड तुषार देशपांडे को। सो ये मेरा तीनों रिस्की ऑप्शन है। एंड और मिनी ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर मैंने ऋतुराज गायकवाड़ को रखा है, इसका भी सिलेक्शन लो है, बट मुझे लगता है इस मैच में डेफिनेटली अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले। सो ये 3 प्लेयर्स होगा मेरा दोस्तों इस मैच में ट्रम्प कार्ड। एंड अब हम लोग कैप्टन एंड वाइस कैप्टनसी की भी बात कर लेते हैं। तो देखो इस मैच में जैसा मैंने बताया, रचिन रविंद्र को काफी लोग कैप्टन वाइस कैप्टन बन रहा है, काफी लोग हेनरी क्लासन को भी कैप्टन वाइस कैप्टन लेकर के जा रहा है। अगर आप लोग भी भीड़ में चलना चाहते हो तो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, नो डाउट अच्छा ऑप्शन है, बट ग्रैंड लीग में दोस्तों आपका रैंक ऊपर नहीं आएगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा यूनिक सोचना पड़ेगा। तो देखो अभी अगर बात करें यूनिक ऑप्शन की इस मैच में, मुझे लगता है इस मैच में अच्छा ऑप्शन हो सकता है ऋतुराज गायकवाड़, डैरिन मिचेल एंड एडन मार्करम, ये तीनों ऑप्शन बैटिंग में अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एंड ऑलराउंडर की अगर बात करें तो रविंद्र जडेजा, ये भी आप लोगों के लिए अच्छा कैप्टन एंड वाइस कैप्टनसी का ऑप्शन बन सकता है दोस्तों इस मैच में। अगर मेरी बात करें तो अभी मैं अपने टीम में एडन मार्करम को
वाइस कैप्टन करूंगा। एंड कैप्टनसी की बात करें तो कैप्टन करने वालों सिंपली ऋतुराज गायकोट को, ये रहेगा मेरा कैप्टन एंड वाइस कैप्टनसी का ऑप्शन इस मैच में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सारा पॉइंट जैसा मैंने आप लोगों को समझाया। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। यार सब्सक्राइब इंक्रीज नहीं हो रहा है, बट फिर भी आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा मैं मेहनत कर रहा हूँ, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना अपडेटेड रहने के लिए।